नालंदा के सिलाव की खाजा मिठाई के बाद अब नालंदा के बुनकरों द्वारा बनाई जाने वाली 52 बूटी साड़ी को भी जीआई टैग मिलेगा। इसकी पहल नवाड द्वारा शुरू कर दी गई है। जीआई टैग मिलने के बाद 52 बूटी साड़ी की अपनी अलग पहचान होगी। इसे देश ही नहीं विदेशों में भी बेचना आसान होगा। खरीदारों को 52 बूटी साड़ी पहचानने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। साड़ी की मांग बढ़ेगी तो बुनकरों के घरों में आर्थिक समृद्धि भी आएगी, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। नवाड के जिला विकास प्रबंधक अमृत कुमार वनवाल ने बताया कि 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। 12 मई को जीआई रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही जीआई टैग मिलेगा तो नालंदा के बुनकरों के हुनर को वैश्विक पहचान मिलेगी। बुनकर अपने उत्पाद को कहीं भी भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि 52 बूटी साड़ी बनाने में पूंजी और मेहनत जितनी लगती है उतनी कीमत नहीं मिल पाती है। जीआई टैग मिलने से बुनकरों का बड़ा बाजार मिलेगा तो आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। यहाँ जिसे हम अपना हाथ से जो है डिजाइन बनाते हैं, सर का क्या क्या बनता है? कुर्ता कपड़ा बनता है, स्टॉल बनता है, साड़ी बनता है, बंडी का कपड़ा बनता है, चादर बनता है, बामन बूटी साड़ी बनता है जो कि देश विदेश में लोकप्रिय रहा है। कितने घरों में यहाँ हो रहा था? यहाँ करीब 40-50 घरों में सफर का काम अब चलता है। पहले से अब कैसा स्थिति है? पहले से अब बहुत कम गया, लोग दूसरे व्यवसाय में चले गए हैं। जीआई टैग मिल जाएगा तो क्या है? जीआई टैग मिल जाएगा तो हम लोग को इसमें कुछ राहत मिलेगा। हम लोग का माल जो है विदेश में जाएगा, उससे मुनाफा हम लोग का बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार साहब। बोलिए। 52 बूटी साड़ी यहाँ बहुत पहले से बनता है और ये 52 जो है साड़ी में एक डिजाइन में 52 तरह का बूटी डाला जाता है। और ये जो क्या चीज़ से बनता है? ये प्योर तसर से बनता है, हाथ से, इसमें कोई मशीन नहीं है। ये सिर्फ पीट लूम है, पीट लूम में हम लोग धागा लगा करके हाथ से ये जो बूटी है ये सारा बूटी हाथ से बनाते हैं। इसमें डोबी जैकार्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ है। कॉटन का? ये प्योर तसर का, जो कोकुन से तैयार होता है धागा। ताना बाना दोनों कोकुन का ही है और इसका बनाने में 12 दिन का टाइम लगता है। कहाँ कहाँ माल जाता है आपको? ये माल जो है इंडिया में लगभग सभी जगह जाता है। हम लोग डिजाइनर लोग को भी देते हैं, इंडिविजुअल लोग को भी देते हैं। क्या प्राइस है इसका? प्राइस ये पड़ जाता है 8,500 रुपया मिनिमम। मैक्सिमम कितना? वो आपका डिजाइन के ऊपर है, अगर ज़्यादा डिजाइन रहता है तो और ज़्यादा 1,000-2,000 पड़ भी सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। आपको पहले पुरस्कार मिला था? हाँ, 52 बूटी साड़ी में पुरस्कार मिला हुआ है। मिला? हाँ सर, देखिए ना, लगा हुआ है यहाँ पर, बैनर में लिखा हुआ है। निकालिएगा तो कहाँ से मिला है? हमारे नालंदा से लेकर 52 बूटी जो डिज़ाइन है, हथकरघा डिज़ाइन है, उसके लिए हमने 12 मई को आवेदन जीआई रजिस्ट्री को सबमिट किया है। दरअसल 52 बूटी एक अनोखा डिज़ाइन है जो कि काफ़ी वर्षों से नालंदा को एक विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि इसकी महत्ता होने के बावजूद भी इनके उत्पादों को जो बुनकर हमारे हैं उनके उत्पादों को उचित मूल्य और उचित पहचान नहीं मिल पा रही है। तो जीआई एक तरीका है जिससे कि हम अपने धरोहर, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनको एक विश्व पटल पर हम उनको एक पहचान दिला सकते हैं। जीआई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बुनकरों को एक अलग पहचान मिलेगी और उनको एक जीआई लोगो दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच सकेंगे और लोग उनके प्रोडक्ट्स को आसानी से पहचान कर सकेंगे। जीआई के साथ एक अच्छी बात जुड़ी है कि जीआई एक बार किसी व्यक्ति या किसी उत्पाद को के लिए अगर मिल जाता है तो उसका कोई दूसरा अनाधिकृत रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। तो इससे जो हमारे नालंदा के जो बुनकर हैं, जो 52 बूटी में जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, उनके लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से एक जीआई उनके लिए मदद करेगा ताकि वो अपने उत्पाद को मार्केट में और बेहतर मूल्यों पर बेच सकें। तो जल्द मिलने की उम्मीद है? जी, दरअसल जीआई का एक प्रोसीजर है। जीआई रजिस्ट्री जो चेन्नई में है, हमने उनको आवेदन सबमिट किया है। उसके बाद वहाँ से एक पैनल कमेटी तैयार होती है जो इसके आवेदन को का विश्लेषण करती है और उसके अनुसार से ही वो कई सवाल जवाब उनकी तरफ से आते हैं, उनकी क्वेरीज आती हैं, जिनका नाबार्ड द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि हम उनके जो भी सवाल हों उनका जवाब दे सकें और जल्द से जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि इनको जीआई हम दिलवा सकें।
इसके मिलने के बाद बुनकर आत्मनिर्भर बन सके। जी जी बिल्कुल, जीआई के बाद बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे उसमें ऑथराइज्ड यूजर बनते हैं, तो हर एक बुनकर को हम ऑथराइज्ड यूजर बनवाएंगे और उसके बाद उनको एक अलग पहचान देकर उनका लोगो क्रिएट करके क्या क्या जी बनेगा जी। अभी एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarikh.com। Nalanda Vidya Mandir, one of the best schools, this school is affiliated from CBSE. Bachpan, India ka favorite play school. Karwaye apne bachchon ka free namankan. पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी